अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों बताने वाला हूं, बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट आ रही है। खबर दोस्तों ये आ रही है इन्वायरमेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से, जिसे ईपीए कहा जाता है, इन्वायरमेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से, जिनके वहां के हेड है डायरेक्टर ऑफ रिलेशन शेख अल इब्राहिम साहब के तरफ से कल के दिन ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जितनी तरह के, चाहे वो सिगरेट हो, सिगार हो या बीड़ी हो, वो सभी को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाता है किसी भी ओपन एरिया में या फिर कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में। यानी कोई भी दोस्तों रेसिडेंशियल एरिया हो जहां पे घनी आबादी हो या फिर कोई भी जगह हो जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे आपको ओपनली सिगरेट आप नहीं पी सकते हो, चाहे वो सिगरेट हो, सिगार हो, बीड़ी हो, ये सब चीज का दोस्तों आप इस्तेमाल वगैरह आप नहीं कर पाते हो। यदि आप वहां पे पकड़े जाते हो ओपन एरिया में या फिर कहीं पे भी जहां पे लोग रहते हैं वहां पे सिगरेट पीते हो, पकड़े जाते हो, तो आर्टिकल नंबर 56 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ नंबर 42/2014 के तहत आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जेल भी हो सकती है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। साथियों, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 7 वजहों से अब एक्सपर्ट लोगों को डिपोर्टेशन किया जाएगा। तो साथियों, इसमें एक नया रूल बनाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी कुवैत हुकूमत की तरफ से 7 एक रूल बनाया जाएगा। यदि वो 7ों में से कोई रूल भी यदि आप वहां पे तोड़ते हुए पकड़े जाते हो तो उन सभी वर्करों को तुरंत डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों, वो 7 कौन कौन से रूल होंगे इसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं दी गई है, पर 7 रूल आएगा ऐसे अभी दोस्तों बताया गया है। तो जैसे ही इस पर कोई खबर आती है मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा और मेरे वीडियो को यदि आप देखते हो तो इसके बारे में जानकारी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही, बहुत ही बढ़िया खबर और बहुत ही अच्छी खबर साथियों कुवैत से आ रही है। साथियों, कुवैत में साथियों लगभग वहां के जो हेड ऑपरेशन है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के जो हेड हैं बुशरा सलीम साहब के तरफ से ये बताया गया है कि लगभग 1 मिलियन वीजा को वहां पर रिन्यू कर दिया गया। यानी दोस्तों 1 मिलियन समझ सकते, 10 लाख लोगों का वीजा जो एक्सपायर कर चुका था उसे सिर्फ कुछ महीनों के अंदर रिन्यू कर दिया गया। और इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात दोस्तों यह है कि नया वर्क वीजा लगभग 30,000 नए वर्क वीजा को दोस्तों इशू किया गया इस बार, जो कि इतना ज्यादा कभी भी कुवैत में नहीं किया गया था। अब दोस्तों ये होप इसलिए पाया है क्योंकि इसमें लगभग 174 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसमें लगभग दोस्तों जितने भी वहां पे वीजा को इश्यू किया गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया गया, क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है कि वहां पे हर चीज अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किया जा रहा है। तो लगभग 10 लाख लोगों को वहां पे वीजा का रिन्यू किया गया, 30,000 नए वर्क वीजा को इश्यू किया गया। तो साथियों, इनमें से यदि आप हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा वीजा लगा है और कहां का वीजा लगा है। अब चल लेते हैं साथियों अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो बहुत ही बड़ी खबर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से दोस्तों फिर से आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चार एक्सपर्ट महिलाओं को वहां पे गिरफ्तार किया गया है। यानी जिस्मानी धंधा करने के लिए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, वो घंटे के हिसाब से 15 से 20 कुवैती दिनार घंटे के हिसाब से वो करती थी। तो फिलहाल साथियों इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पर यह नहीं बताया गया कि कौन से एरिया से है और कौन से देश से वो ताल्लुकात रखती हैं। इस पर सभी पे लीगल एक्शन लिया गया। साथियों, कुवैत में ये सब चीजें काफी दिनों से था पर यह पता नहीं चलता था, पर दोस्तों अभी मिनिस्ट्री की तरफ से जो निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है कुवैत में, जो इलीगल तरीके से जो भी वर्कर वहां पे रहते हैं, तो ये सब सारी चीजें दोस्तों मालूम चल रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो कुवैत में ये काफी दिनों से ये गलत धंधा चलाया जा रहा था। फिलहाल साथियों हर एक दिन 10 महिलाएं, 5 महिलाएं, 4 महिलाएं ऐसी पकड़ी जाती है। मैं आपको बताता भी हूं और मैं यदि दोस्तों आपको यदि कोई भी न्यूज के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप अरफ टाइम्स के कुवैत के ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, वहां से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कि जो भी खबर मैं आपको बताता हूं ऑफिशियल डाटा निकाल के ही आपको बताता हूं। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों, यदि आप इंडिया के हैं तो आपको जान के काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा। इंडिया के बहुत ही बड़े सिंगर हैं जिनका नाम है एआर रहमान। तो साथियों, एआर रहमान जो है कनाडा में काफी ज्यादा वो चर्चित हैं, फेमस है। तो एआर रहमान के नाम से साथियों कनाडा में एक स्ट्रीट बनाया गया, यानी एआर रहमान स्ट्रीट के नाम से वो जाना जाएगा। तो वीडियो के संदर्भ में दोस्तों फोटो आप देख भी सकते हैं, ये एआर रहमान साथ में है और उनका कनाडा के कुछ मिनिस्टर वगैरह साथ में खड़े हैं। तो ये काफी ज्यादा गर्व की बात है।
तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।